अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप सबसे एक रेसिपी शेयर करना चाहूँगी जो कि जिसको कहते हैं कुकू। तो ये एक्चुअली एक ईरानी डिश है और आप कह सकते हैं आलू कबाब की तरह है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो मैं आपको पूरा बताऊँगी कि कैसे बने ये बनता है। लेकिन अच्छा, ये मैं आज रात में नहीं, ताकि मैं प्लान नहीं था कि मैं बनाऊंगी। तो लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप मतलब मूड बनता है आपका कि आप कुछ इजी टू कुक कुछ बनाए जल्दी से अपने लिए, और जो कि ज़्यादा थोड़ा तो सा हेल्दी भी हो, जल्दी भी बन जाए। तो मैं सोच रही थी, थोड़ा सा मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं पूरा कुकिंग करूँ, फुल टाइम लगाऊँ 1-2 घंटे। तो मैंने फिर सोचा कि मैं फ्राइज़ बनाऊँ, फ्रेंच फ्राइज़। तो फिर नहीं, मैं कहा नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा वो ऑयली हो जाएगा जो कि सही नहीं है। वैसे मैं खाती हूँ, ऐसा ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं खाती ये फ्राइड चीज़ें या फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, लेकिन क्योंकि कल रात मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ ली हुई थी, तो मैंने कहा आज रात नहीं। तो फिर मुझे वैसे आप सब भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि जब आपको कभी दिल चाहता है कि कुछ चेंज और डिफरेंट, और आप कुछ खाएं मज़ेदार और उसमें टाइम भी बहुत कम लगे, जल्दी बन जाए, और आपका दिल नहीं चाह रहा जो घर में जो खाना पका हुआ है, तो आप लोग क्या करते हैं, क्या बनाते हैं अपने लिए? तो मुझे ये, मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे कुकू में जहन में आया कि मैं कुकू बनाती हूँ। तो ये हम बनाते बनाते बहुत देर बाद, लाइक जल्दी जल्दी नहीं बनाते। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स क्या है। अच्छा, ये इसमें मेन जो है पोटैटो है, आलू। इसमें मैंने 3-4 आलू लिए, उसको 2 पीसेस में किए, और एक बड़ा प्याज और धनिया कुछ पत्ते, ज़्यादा भी उसमें डाल सकते हैं, और 3-4 उसमें लहसुन। तो ये मेन चीज़ है, इसको आप ग्रेट करते हैं। जैसे आलू कबाब हो या वो कटलस हो, तो उसमें आप बॉयल करते हैं ना फिर उसको आप, लेकिन इसमें आप ग्रेट करते हैं सारी चीज़ों को, प्याज आलू लहसुन, और इसको आप काट के डालते हैं। और फिर ये सब कुछ जब आप ग्रेट करते हैं, तो फिर उसमें नमक वगैरह ऐड करते हैं। तो ये इसमें आते हैं, ग्रेट करते हैं। अच्छा अच्छा नहीं है ये, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे हैं उसके सुराख और कुछ बड़े हैं, तो एक होता है जिस बीच में, दोनों के दरमियान बीच में होता है, वो बहुत अच्छा होता है उसके लिए, क्योंकि तो उसमें बहुत पीसेस उसके बहुत अच्छे साइज में बनते हैं ना। तो खैर, मेरे पास वो नहीं था, तो मैं इसी से गुजारा कर रही हूँ। अच्छा, तो ये मैंने आलू लहसुन प्याज ग्रेट कर दिए, और इसमें धनिया भी डाल दिया है। तो बाकी आप स्पाइसेस थोड़ा अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इसको इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेगा, क्योंकि ये इसका जो अपना आलू प्याज और लहसुन का जो टेस्ट है ना, वो ख़राब हो जाएगा। तो वो जो मेन है ना उसका, जो ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा टेस्टी बनाता है, तो यही मेन इंग्रेडिएंट्स आलू और प्याज का है। तो आप थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल सकते हैं, जो लोग स्पाइसी खाने के शौकीन हैं। और इसके अलावा इसमें बेसन और ये अंडा, एक इस हिसाब से जो मैंने जितने मैंने आलू ग्रेट किए ना, प्याज 4 तकरीबन छोटे छोटे, 3-4 आलू और एक दरमियाना साइज प्याज। तो आप उसको जैसे आप आलू ज़्यादा ऐड करेंगे ना, डबल करेंगे, तो आप प्याज भी डबल कीजिएगा, और उस हिसाब से बेसन भी और
अंडे भी उसमें दो तीन बिटा दीजिएगा, ठीक है। तो एक अंडा है और नमक। ओके व्यूअर्स, ये है फाइनल लुक कुकू का, और जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, आई एम श्योर आप लोगों ने ये वीडियो आपको पसंद आया। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बता दीजिए कि आपको कैसा लगा। और थैंक यू सो मच, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।